अब बोलना नहीं, ठीक है? टाइप करके बता। अच्छा देखिए, हम लोग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की बात कर रहे थे, ठीक है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन में बात कर रहे थे, ठीक है? इसमें हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप चेंज कर सकता है। पीएम कैन चेंज शेप को बदल सकता है। दूसरा बात हमने कल कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, आपको फ्लूडिटी होने के कारण, ड्यू टू फ्लूड नेचर, फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, आपको कैन इंक्रीज द शेप ऑफ द सेल, द साइज ऑफ सेल है ना, इसका मतलब दैट इज हेल्प इन ग्रोथ, ये ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या था सर आपको, है ना? इट मेक इंटरसेलुलर जंक्शन बना सकता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाता है। इसी को हम लोग डेस्मोसोम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? प्लाज्मा में जो इंटरसेलुलर जंक्शन बनाता है, इस सिचुएशन को हम लोग डेस्मोसोम भी बोलते हैं, ठीक है? डेस्मोसोम के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं, ठीक है? ये लाइन भी आपको याद हुआ। उसके बाद हम ये बता रहे थे कि एक मिनट रुक जाइए, तो 1 मिनट, एक मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट, मोबाइल को चार्ज में लगा देते। मिनट बोलो, तो आवाज आ रहा है, टाइप करके बताना। तो हेलो, आवाज आ रहा है? ठीक है, ये माइक में ना, इसका जो ईयरफोन है ना, वही नहीं ठीक है। आ रहा है आवाज, ठीक है, देख लिए। तो हम बता रहे थे क्या आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बनाता है सर आपको, है ना, डेस्मोसोम बनाता है जी। ये कल हमने बताया था आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो ऑल्सो सो
है ना, इंडोसाइटोसिस, ये वाला नया नया शब्द लाए थे हम लोग आप लोगों के सामने में, इंडोसाइटोसिस एनसीईआरटी में भी है। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सामान को अंदर ले लेते हैं, जैसे कोई फूड पार्टिकल है, आप प्लाज्मा उसके अपने अंदर में ले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, इस घटना को क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये दो तरह का होता था, एक है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एक क्या होता था आपको पिनोसाइटोसिस होता था, ठीक है, पिनोसाइटोसिस देखने को मिलता था। दो तरह का आपको है, एक है फैगोसाइटोसिस, एक क्या सर आपको पिनोसाइटोसिस, दोनों तरह का आपको फॉर्म शो करता है सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये याद हो गया सब आदमी को। अब एक प्लाज्मा सिक्रीशन भी करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन सिक्रीशन, हेल्प इन सिक्रीशन, ये सिक्रीशन भी करके देता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा काम जो हम कल आपको लास्ट में ला के रखे थे वो ये था कि आपको हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है सर आपको, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है जी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है सर आपको, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करके देता है जी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो करता है ना सर, ये सेल के अंदर में कोई सामान को लाता है या सेल के बाहर में सामान को ले जाने में मदद करता है जी, ठीक है। एक बार और बात हम आपको बोल देना चाहते हैं, आज हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहे हैं ना, तो भविष्य में हम आपको जब बताएंगे सेल का ऑर्गेनेल, मान लो ये सेल है, असल में न्यूक्लियस से भी मेम्ब्रेन होता है जी, आप लोग याद कीजिए ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस पे भी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग मेम्ब्रेन देखते हैं, मेम्ब्रेन इसको हम लोग क्या नाम देते थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप लोग को ये बात ख्याल रखना चाहिए, आज के बाद कहीं पे भी मेम्ब्रेन समझेंगे ना, मेम्ब्रेन उसका सबका बनावट एक ही जैसा होता है, जैसे प्लाज्मा में बना था ना लिपिड का लेयर का, वैसे ये भी बना होगा सर किसका आपको, चर्बी के लेयर का, है ना जी, माइटोकॉन्ड्रिया नाम लीजिएगा, और उस पर भी मेम्ब्रेन होता है सर। तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा बनावट सोची थी, जैसा काम सोचे थे, वैसा ही काम सेल के ऑर्गेनल्स का भी होता है, सेल के ऑर्गेनल्स भी उसी तरह से दिखते हैं, उसी तरह से ढके रहते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को ढकता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है जब कहना चाहे। मानो इमेजिनेशन करो ना कि घर में पूरा कपड़े से ढक दिए पूरा घर को, पूरा एक बिल्डिंग है उसको पूरा कपड़ा से ढके गए, अंदर में जितना भी छोटा छोटा आपको ये है मतलब क्या है ना, टीवी है ना, ये फ्रिज है या कुछ भी सामान है वॉशिंग मशीन, सबको भी हम कपड़े से ढके गए। तो सर जो कपड़ा का बनावट बाहर के शरीर को ढकने के लिए, वही अंदर के भी पार्ट सबको ढकने के लिए भी होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर में जो देखते हैं सर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिस दिन पढ़ाएंगे हम कहेंगे डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या तुम समझोगे, दो दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा केमिकल का लेयर होता है ना, किस पे माइटोकॉन्ड्रिया के दीवार पे भी, ठीक है। आप उसके बाद आपको हम जब यहाँ पे समझा रहे हैं कि भाई कैसे सामान अंदर जा रहा है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आई सेल के अंदर में सामान कैसे जा रहा है सर, ए नाम का सामान अंदर कैसे घुसेगा वो समझाएंगे, तो तुम लोग ये भी नहीं कहोगे सर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में कैसे सामान जाएगा, वो भी हमको समझ में आ जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर में कोई सामान जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, तो ये भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो हम लोगों को करना है इस पे, है ना जी। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखते सर, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, ये आपको ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या, सामान को ले जाने में ले आने में मदद करता है। आप ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं ना सर, ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं सर, मतलब सेलुलर ट्रांसपोर्ट है ना जी, सेलुलर ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं, ये दो तरह का होता है, ठीक है, सेलुलर ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं ये दो तरह का दिखाई देता है। एक क्या होता है सर आपको, सेलुलर ट्रांसपोर्ट जब देखते हैं हम लोग, ये दो तरह का दिखाई देगा, एक होता है सर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, एक क्या होता है सर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, और एक क्या होता है सर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जी, ठीक है। हम आपको पहले पैसिव और एक्टिव का मतलब समझाते हैं, कोई सामान को ले जाइए बिना पैसा खर्च के ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, ऐसे घटना को क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल है ना, मेटेरियल है ना, फ्रॉम टू एंड फ्रॉम ऑफ अ सेल, टू एंड फ्रॉम ऑफ सेल, ऑफ सेल विदाउट, विदाउट एनी यूज ऑफ, विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी के इस्तेमाल किए बिना ही अगर आप कोई सामान को अंदर ले आते हैं और बाहर ले जाते हैं, इस घटना को क्या नाम देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जब सामान को हम लोग भेजते हैं सर, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं सर हम लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है ना,
विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी आपको खर्चा लग जाता है सर, इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन सर ये अच्छा डिफिनेशन नहीं है, तुमको तो हम समझा रहे खासियत इसका, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई पैसा न लगे तो उसको कहते हैं पैसिव, ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट जिसमें खूब पैसा लग रहा था तो क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिव के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, मुद्दा नंबर टू है कि सर ये डिफिनेशन सही नहीं लगता हमको, डिफिनेशन ये होना चाहिए मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, है जी। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना जी। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सामान जाए इस घटना को क्या नाम देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जब हम लोगों को ये देखते हैं हम लोग, जब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हो जाए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, विथ यूज ऑफ एनर्जी लगाना पड़ जाता है सर। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से लाते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी का इस्तेमाल किए ही कोई सामान को भेज रहे हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें एनर्जी का भी खर्चा होता है सर, पैसा लग जाता है, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, दिमाग लगाइए, सब आदमी पैसिव ट्रांसपोर्ट का पूछ देगा, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछ देगा तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, सामान को भेजिए, है ना, बिना आपको नीचे कहा जाए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़े, इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और वो सामान जिसमें आपको एनर्जी लग जाता है सर, पैसा लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं सर। एक ठेठ भाषा में समझिए कि अगर ऊपर छत पर में अगर आपको पानी का टैंक है और नीचे पानी लाना है चाहते हैं सर, टंकी खोलिए पानी आ जाएगा, इसमें कोई खर्चा नहीं लगा, लेकिन वही जगह पर आपको मोटर से पानी चढ़ाना पड़ता है सर ऊपर की ओर, तो उसमें खर्चा लगता है, लो से नीचे से ऊपर की ओर भेजना, अपहिल हुआ इसका मतलब, लो से हाई की तरफ, है ना जी। कंसंट्रेशन का मतलब समझते हैं ना, ज्यादा ज्यादा मात्रा, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब क्या बताया जाएगा, मतलब अबंडेंस होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में सामान सब होगा, कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा सामान है, चलो हटा जो भी है। तो पॉइंट जो है ना, आपको हम ये समझा रहे हैं कि प्लांट में इस तरह से आपको, सॉरी सेल में इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है जी। आप ही के बुक में ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया से समझाया है, और यहाँ एनसीईआरटी में भी आपको यहाँ पे आपको समझाया है, असली खेल तो यही है जी, हम आपको इसको समझाना चाहते हैं। और ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है जी। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछता है, तुमको अगर इतना छोटा सा टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, नहीं जी आगे जाके चैप्टर 11 में ना पूरा डिटेल किया हुआ है इसको जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को बढ़िया से डिटेल किया हुआ है। हम भी लोग इसको डिटेल करते हैं, ट्रांसपोर्ट से हेडिंग दे रहे हैं हम आपको, ट्रांसपोर्ट हेडिंग है, और ट्रांसपोर्ट में आपको क्या है सर, आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और फिर एक क्या है सर आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं ये दो तरह का होता है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं ये दो है जी। ठीक है, इसमें एक आता है सर डिफ्यूजन आएगा, और एक आएगा सर आपको क्या, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है जी, है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आएगा जी। ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और एक क्या होगा सर आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है ही, है ना जी। अब डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब समझिए जी। ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, या डिफ्यूजन सर, ये दिमाग लगाइए, यहीं पे लिख देते हैं, हाई से लो कंसंट्रेशन जाता है हाई टू लो, और दूसरा नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ देखते हैं सर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ जाता है, लो से हाई की तरफ जाएगा पहला बात, दूसरा कि इसमें एटीपी लगेगा, एटीपी यूज होगा, एटीपी समझते हैं एनर्जी, है ना, हम लोगों में एनर्जी का मतलब एटीपी होता है जी, जैसे आप कहते हैं ना ठंडा मतलब कोका कोला, उसी तरह से एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा सर, आपको एटीपी हो जाएगा जी। ठीक है, एटीपी की मदद से जब कोई सामान जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर आपको, मतलब
एनर्जी एनर्जी मान लिया जाएगा, मतलब एनर्जी की तरह से, एनर्जी का मतलब एटीपी, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आप लोगों के लिए, कि आपको ये समझना है कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जब ये दोनों समझ में आ जाएगा तब आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो भी समझना है। डिफ्यूजन होता है सर आपको जब लो से, अब सॉरी हाई से लो की वजह से लिखी दिए दो, सब में लागू, इसमें भी लागू, इसमें भी लागू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आता है, डिफ्यूजन है ना सर, ये आपको ट्रांसपोर्ट तो करता है सर, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल यही हम कल पढ़ाए थे आप लोगों को, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है ये भाई, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो मुद्दा है कि सर न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक दो एक्सेप्शन आ जाए तो अलग बात है, पर ये न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या होता है सर आपको, है ना, न्यूट्रल न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को क्या करता है सर, ये ट्रांसपोर्ट करता है। दिमाग लगाइए सब आदमी, है ना जी, आपसे कोई पूछ देगा, है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं कि न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपको ले जाता है, ये आपको पोलर मॉलिक्यूल को ले जाता है। आप कल का क्लास याद आ रहा है जी, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे नॉन पोलर के किससे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है ना, जिसमें आपको ऑक्सीजन होगा, है ना, आपको मीथेन मान लो, बेंजीन मान लो, बेंजीन, इस समय क्या देखते हैं सर हम लोग, है ना, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है जी। हाइड्रोजन बॉन्ड तुम कैसे समझ जाओगे सर, किसी को हाइड्रोजन बॉन्ड है किसी को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, अगर आप ये तीन चीज देख लिए किसी ने, हाइड्रोजन जो है सर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहा, हाइड्रोजन जो है ना सर फ्लोरीन के साथ जुड़ा रहा, या हाइड्रोजन जो है ना सर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहा, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे सर आपको, है ना, इसका मान लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है सर, ये ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया ना, मीन्स हाइड्रोजन, मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, मेक एच बॉन्ड, एच बॉन्ड किसी चिड़िया का नाम है, छोड़ो ना उसको, अभी तुम एच बॉन्ड पे बंद जाओ, तुमको बस पोलर मॉलिक्यूल पकड़ना है। पोलर मॉलिक्यूल किससे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमको नहीं समझ आता सर, कि भाई तुम ये देखो ना, ये अगर मिल गया ओएन एनएच ऐसे, जैसे देखो H2O लिखते हैं, तो इसमें एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, और आप ऐसे लिखते हो NH3, NH3 में देखो एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन कम से कम एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन मिल गया ना, तो तुम उसको क्या कह दोगे, पोलर मॉलिक्यूल के नाम से बुला देंगे। जैसे हम H3PO4 लिख रहे हैं, H3PO4, तो ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है, कितना उससे नहीं मतलब, कम से कम एक है ना, तो एक O और एक H है, तो हम क्या मान लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड मान लेंगे। और लिखे H2CO3, देखो इसमें भी आप एक ऑक्सीजन देख रहे हो और हाइड्रोजन देख रहे हैं, ठीक है, ये सब को मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं। अगर पोलर मॉलिक्यूल को भेजा भी पोलर, ये फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम पहले आप ये समझो कि डिफ्यूजन किसके ले जाता है, न्यूट्रल होना चाहिए पहली दफा, और दूसरा बात कि नॉन पोलर होना चाहिए सर, ठीक है। फैसिलिटेट भी न्यूट्रल को ले जाएगा, लेकिन ये किसको ले जाएगा सर, आपको पोलर मॉलिक्यूल को ले जाता है सर। पोलर मॉलिक्यूल कब जरूरत पड़ गया सर आपको, पोलर मॉलिक्यूल ले जाने के लिए, है ना, कब आपको सर क्या लगता है सर आपको, डिफ्यूजन होगा जी, ठीक है। डिफ्यूजन कब होगा अब ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, और उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं सर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपको ट्रांसपोर्ट करता है सर आपको, ट्रांसपोर्ट आयंस, ये आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, आयंस को ले जाता है, जैसे K+ हुआ, Mg+ हुआ, है ना, HO3- हुआ। अब यहाँ पे तुम हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं प्रायोरिटी दोगी, यहाँ पे भी देखो एक H एक O है, तो तुम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं चिल्लाने लगोगी, ये माइनस है ना, इसका वैल्यू दोगी, माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, पोलर आयंस कहलाएगा जी, आयंस, आयंस को ले जाने के लिए क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जी, ठीक है। चलिए अब हम लोग का क्लास आ गया डिफ्यूजन पे, डिफ्यूजन समझते हैं जी, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है सर, ठीक है, डिफ्यूजन कहता है कि जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर सामान जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन से तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जी, सही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही बोल दी तो चलेगा। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर सामान, न्यूट्रल सामान ले जाते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले जाते हैं, व्हेन वी मूव द आपको सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, है ना जी, है ना, बाय द लिखा आपको भाई कैसे सर, तो बाय आपको लिखा आपको, है ना, आपको हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम तुमको समझाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सैंड है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है सर आपको निकी, और क्या हो सकता है, ठीक है, और जैसे हो गया आपको मेटल, ये जैसे आप क्या लिख सकते हैं, आप जब यहाँ लिखे थे ना जी हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, आपको H2 था, O2 है, ये सब अलग अलग है,
जैसे मिथेन था, मिथेन, यस मिथेन, हाइड्रोजन सल्फर था, है ना, HCl था, ये सब सामान को ले जाना चाहते हो तो क्या चाहिए होगा, डिफ्यूजन करवाना होगा जी, ठीक है। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल जो देखते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं, है ना जी, जो है जी, आपको क्या होता है सर, आपको पोलर मॉलिक्यूल के तौर पे आपको डिफ्यूजन समझा दिया हम आपको, आपको ज्यादा नहीं गप देंगे। आइए डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं, डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, बहुत तंग करेगा जी डिफ्यूजन, तुम लोग कहीं भी सुनोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर, हर चैप्टर में घुसा हुआ डिफ्यूजन, यहाँ ऐसे हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से, यहाँ हो रहा है वैसे, सर सबसे सस्ता तरीका यही है सर आपके शरीर में घूमने का, है ना जी, आपको बिना पैसा खर्च किए हुए जी। तो मूवमेंट ऑफ है ना, नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, इस कॉल्ड, इस घटना को क्या कहते हैं सर हम लोग, इस घटना को डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं जी। डिफ्यूजन क्या होता है सर, जब कोई सामान हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाए बिना किसी एनर्जी खर्च किए हुए, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर डिफ्यूजन किस कंसेप्ट पे काम करता है, देखिए पहले आप ये सोचिए कि डिफ्यूजन एंड अकर्स इन लिविंग नॉन लिविंग सब में होता है, ठीक है, इट अकर्स इन बोथ बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग में भी होता है एंड एंड नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। डिफ्यूजन क्या होता है सर, आपको लिविंग और नॉन लिविंग में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि डिफ्यूजन कहाँ देखने को मिलता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है डिफ्यूजन, ये याद हो गया सब आदमी को। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, है जी, आप जब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, है ना जी, डिफ्यूजन के बारे में आप लोग सब पॉइंट बनाना शुरू कीजिएगा, तो डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो वे में काम करता है, ठीक है, इट आपको है ना, आपको अकर्स इन स्लो प्रोसेस, ये आपको स्लो प्रोसेस होता है। अब क्यों स्लो प्रोसेस होता है सर, क्योंकि ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, इट एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, समझा देंगे, पहले लिख देते हैं हम, दिखा गया पहले तो क्या करें, आपको एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, ये छोटा डिस्टेंस की तय करने में मदद करता है जी, ठीक है, इट एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। डिफ्यूजन क्या होता है सर, आपको शॉर्टर डिस्टेंस के लिए आप लोग क्या होता है, आपको एप्लीकेबल होता है जी, ठीक है। मुद्दा है सर, अभी तो समझ नहीं पा रहा आपकी बात को, देख भाई डिफ्यूजन आप लोग सब किए हुए, मतलब देखे हुए हैं डिफ्यूजन, आप सब जानते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना ये भी एक डिफ्यूजन है जी, ठीक है। और दूसरी जगह, और सर मान लीजिए अगर हम इस रूम में एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, अगरबत्ती समझ रहे हैं आप लोग, है ना, एक आपको नहीं कि बर्निंग कैंडल सब जला देते हैं, उसका जो धुआं निकलता है ना, एक कोना से अपने आप फैलने लगता है दूसरी तरफ, है ना जी, तो इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन ही बोलते हैं सर। आप कभी बालू से रखते हुए देखते होंगे, ठीक है, ये भी एक तरह से डिफ्यूजन, मतलब इस तरह से आपको डिफ्यूजन है, या आप कभी देखेगा फर्श पे पानी गिरा दो ना, तो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, ये सब क्या है, आपको डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन, जैसे यहाँ पे तुम बहुत सारा सामान रख दिए हो, अब यहाँ पे कुछ नहीं है सर, यह थोड़ा बहुत है, तो यहाँ से सामान क्या होगा सर, धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचना शुरू कर देगा जी, ऐसा कभी नहीं होगा कि सर सीधे जंप करके यहाँ पे आ जाए, तुम लोग कहेगा ना कि हाई कंसेंट्रेशन यहाँ रख देते हैं सर, या मान लो ये टेबल है, यहाँ पे बहुत सारा सामान रख दिए है जी, और यहाँ पे आपको बहुत कम सामान है सर, तो डिफ्यूजन का धीरे धीरे आएगा जी, धीरे धीरे गिरेगा जी, और यहाँ भी कम है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जंप करके चला जाएगा, ये कभी नहीं जा सकता है, वो सिर्फ छोटे दूरी को तय कर सकता है, ठीक है। जैसे कहो ना कि यहाँ पे अगर कोई सामान ज्यादा है और यहाँ पे कम है सर, तो सर ये ज्यादा है डिफ्यूजन के जरिए जाना चाहता है, तो पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तब धीरे 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 करके यहाँ पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि सर ये छोटी दूरी को ही तय कर सकता है। अब देखिए कि कोई बैलगाड़ी से सामान सब ढुलवाएंगे, बैलगाड़ी तो डिमांड तो नहीं करता ज्यादा, मतलब उसको तो बस खाना पीना में चाहिए जी, जो नॉर्मल बात है, तो सर उसको लेकिन बैलगाड़ी तो अपने चाल से ना चलेगा, थोड़े होगा कि एरोप्लेन की जैसे स्पीड से चलने लगेगा, धीरे धीरे चलेगा। वही बात आपके शरीर में भी होता है कि आप सांस लेते हैं ना डिफ्यूजन के जरिए, तो ऑक्सीजन जो लंग्स में आता है धीरे धीरे बॉडी में जाता है जी, ठीक है। तो सर इसमें तो टेंशन है कि हमको फास्ट नहीं मिल पा रहा है सर, लेकिन चलो ना फ्री तो मिल रहा है ना, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है जिसमें सामान को तो हम लोग फ्री में ले जाते हैं सर, लेकिन वह छोटी दूरी को तय करता है सर। डिफ्यूजन क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए क्या होता है, आपको एप्लीकेबल होता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डिफ्यूजन से हम लोग क्या ले जाते हैं, आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल को। तुम कहोगे सर आप हमको सेल में कैसे डिफ्यूजन होता है वो बताइए,
उस पिछला क्लास याद कीजिए, पिछला क्लास हम क्या बोले थे कि जैसे ये सेल है, ये आपको क्या मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कल जो बता रहे थे कि कहते ना ये प्रोटीन का लेयर होता है, इसके अंदर लिपिड का लेयर होता है, ठीक है। अगर कोई सामान तुम डाल दिया इस पे तो ज्यादा लोड होने के कारण ये डूबेगा ना, कल बताया था ना कि प्रोटीन आइसबर्ग ये डूब जाता है। जब ये डूबेगा सर ये कहाँ ले जाएगा सर, अंदर की ओर सामान ले जाएगा, ये अंदर की ओर सामान डाल देगा जी, ठीक है। वही आपको वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम कल बता रहे थे ना कि जब किसी पे लोड बढ़ता है तो दब जाता है अंदर की तरफ। अंदर तरफ के दबने की घटना को क्या कहते हैं सर, यहाँ पे मैं अंदर सेल में घुसना चाह रहा था तो इस घटना से डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन के लिए कोई खास आदमी देखो जा रहा जी बात समझ, कोई हाँ या ना में जवाब दो तो, कि हम बहुत तेजी में बता रहे हैं। डिफ्यूजन हमको लगता है कि थोड़ा सुने में आप ऐसे बोल रहे और बोलोगे तो हम फिर छिलका छुड़ा के भी समझाना शुरू कर देंगे। नहीं सर उतना ही, डिसीजन होता है ना, क्या डिसीजन होता है ना, बात सुन रहे हो, कितना टाइम रह गया, वाइन होगा ना, रुको हमको लगता है डिफ्यूजन ठीक है। प्राची तुम लिख के बताओ तो तुमको समझ में आ रहा है डिफ्यूजन क्या है, तुम नाम तो सुनी होगी बिल्कुल। नहीं हाँ रुक जाओ, हम उसको अच्छे से बोलते हैं। इसको अच्छे से बोलते हैं, देखते तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राची है भी कि नहीं, आइए यहाँ पे देखते हम लोग है जी। टॉपिक का नाम क्या आपको, डिफ्यूजन, देखो सुनते हैं इसके ही हम लोग। डिफ्यूजन का पहले डेफिनेशन जान गए, डेफिनेशन है ना जी, उसके बाद डिफ्यूजन के बारे में हम लोग अकरेंस देखेंगे, कहाँ कहाँ डिफ्यूजन होता है, अकरेंस ऑफ डिफ्यूजन, अकरेंस ऑफ डिफ्यूजन ये जानेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, प्रॉपर्टी ऑफ सिलेबस लिख रहे हैं, डिफ्यूजन के क्या क्या खासियत होगा, इसका लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ डिफ्यूजन ये भी देखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सर, डिफ्यूजन का लिमिटेशन के बाद हम लोग एक चीज और सर्च करेंगे कि सर डिफ्यूजन और मास फ्लो में जमीन आसमान का अंतर रहता है, ठीक है। डिफ्यूजन और मास फ्लो, मास फ्लो दोनों एक चीज नहीं है जी, मास फ्लो एक अलग चीज है, डिफ्यूजन एक अलग चीज है सर, ये भी देखेंगे हम लोग। और इसी टॉपिक में एक टर्म आएगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक टर्म आता है, ठीक है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को भी समझेंगे जी हम लोग, ऑस्मोसिस कैसे काम करता है इसको भी हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। डिफ्यूजन जो देखते हैं सर ये कैसे काम करता है वो सब, अब डेफिनेशन तो हम नहीं बोलने वाले, आप लोग को हम ओरली बोल के समझा देते डेफिनेशन क्या है। जब कोई सामान, कोई नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, इस घटना को डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कुछ कभी कभी कुछ पोलर मॉलिक्यूल भी जला जाता है जी, ठीक है। अब डिफ्यूजन के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं, ये आपको लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है, अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है सर। डिफ्यूजन आपको जिंदा मरे हुए सब में दिखाई देगा। आप देखो ये इमेजिनेशन ये करो कि मान लीजिए कोई मोहल्ला में शादी है जी, ठीक है, और हमको इनविटेशन नहीं मिला हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे एक अरेंजमेंट हो चुका है, खाने पीने का अरेंजमेंट हो चुका है और हमको कोई इनविटेशन नहीं मिला, हमको मन है कि काश हम उसमें जाके कुछ खा के आते हैं, ठीक है, और हमको कोई नहीं जानता उसमें, मतलब जो शादी हो रहा है उसमें ऐसा है कि हमको कोई नहीं जानता, हमको कोई बुलाएगा भी नहीं है जी, तो हम क्या करें, विक्रमबाजी सोचे कि पंडाल में जहाँ भी छेद होगा ना जी, ठीक है, उस रास्ते से घुस के अंदर से खा के आ जाएंगे है ना जी, पंडाल में कहीं पे फाड़ चीर देंगे है ना, और उसके जरिए अंदर घुस करके आ जाएंगे, या कपड़ा बदल लेंगे, कपड़ा बदल के घुस जाएंगे अंदर में,
जाके खा पी के आ जाएंगे, ठीक है। मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा बंदा है ना जिसको कोई स्पेशल रिसीव नहीं करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किधरों से घुस सकता है। आप इमेजिनेशन कीजिए कि डिफ्यूजन को जब देखते हैं सर, ये ऐसे कोई सेल है तो ये सेल में आपको याद कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या देखते हैं सर, ये लिपिड का लेयर होता है और प्रोटीन का भी लेयर होता है, ठीक है। और ये जो देखते हैं सर हम लोग डिफ्यूजन में, हम लोग एक टनल प्रोटीन जैसा आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। ये आपको जो देखते हैं हम लोग ऐसा कुछ याद कीजिए। तो डिफ्यूजन को मन है ना जी, डिफ्यूजन को मन है इधर से जाने का, इधर से चला जाएगा, इधर से जाने इधर से चला जाएगा, किधरों से मन होगा उधर से चला जाएगा। आप लोग याद कीजिए, हम आपको बड़ा सा पिक्चर करके बना के दिखाए थे, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन का लेयर है जी, ठीक है। और बीच में क्या सर, इंटीग्रल प्रोटीन है, ये बीच में इंटीग्रल प्रोटीन होता था, एक चर्बी का लेयर होता था जी, ठीक है। अब डिफ्यूजन को इधर से जाना है तब भी चला जाएगा भाई, टनल प्रोटीन है उधर से जाना, उधर से किधरों से घुस के जा सकता है सर। डिफ्यूजन को कोई रोकने वाला नहीं है, इसको किधरों से भी अगर माहौल बन गया ना सर तो किधरों से, खाली कंडीशन एक होना चाहिए। कंडीशन क्या है सर, कि सर इसको एक तरफ हाई कंसेंट्रेशन होना चाहिए, एक तरफ क्या होना चाहिए, लो कंसेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं है ना, आपको डिफ्यूजन नॉट, आपको लिखा आपको नो स्पेशल प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा में दैट रिसीव डिफ्यूज पार्टिकल। डिफ्यूज पार्टिकल के लिए कोई स्पेशल आदमी नहीं होता है जो उसको डिफ्यूज पार्टिकल को एक्सेप्ट करेगा, है ना जी। नो स्पेशल का क्या सर, क्या था आपको लिपिड होता है, ठीक है। लेकिन इस दोनों को ना सर प्लाज्मा में आपको ये रिसीव नहीं कर, प्लाज्मा में किधर से घुस जाएगा सर, लोड खाली बढ़ा दीजिए ना, वही प्लाज्मा में थ्योरी पर थे, माना कि एक तरफ से ज्यादा लोड पासिंग नेचर ऑफ लिपिड जो प्रोटीन डगमगा देता है, यही वो डगमगाना की वजह से चला जाता है। मान लीजिए कि एक बारात आता ना जी, एकदम भीड़ हो जाता ना जी पंडाल में, आपको किसको क्या पता कि कौन आपको बराती है, कौन मोहल्ले के आदमी है, ठीक है। वो क्या होता है, वही मोहल्ला फायदा पड़ जाता है, भीड़ में घुस के चला जाता है, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, जब आप सेल को देखते हैं ना, सेल में आपको मान लीजिए यहाँ प्रोटीन है, यहाँ चर्बी है, कुछ भी है सर, तो सर उस सब को पार करके चला जाता है सर आपको पार्टिकल। पार्टिकल जो देखते हैं वो पार्टिकल इधर से भी घुस जाएगा, पर शर्त क्या होना चाहिए, शर्त ये होना चाहिए इधर ज्यादा होना चाहिए, इधर ये अगर इधर हाई हुआ इधर लो हुआ तो सर इधर से सामान भाग जाएगा इधर की ओर, पल्ले पर राज्य में क्या होना चाहिए, मतलब नो स्पेशल प्रोटीन या नो स्पेशल है ना रिसेप्टर है ना, और केमिकल है ना फाउंड ऑन पीएम दैट रिसीव है ना डिफ्यूज पार्टिकल। डिफ्यूजन के लिए कोई खास बंदा अपॉइंट नहीं होता है जी, मान लो ना आप सरकारी स्कूल में जाइएगा ना, बच्चा किधरों से स्कूल में घुस जाए, वो टीचर को ना फर्क पड़ता ना स्कूल के, उसमें गाड़ी नहीं है, स्कूल में गाड़ी नहीं है तो क्या किधरों से घुस जाएगा जी। अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया सर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिफ्यूजन के नाम से बुलाएंगे। तो सर डिफ्यूजन किस कंसेप्ट को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है फॉलो द कंसेप्ट ऑफ वो याद कीजिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल, शॉर्ट कर देंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना जी। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के कंसेप्ट को फॉलो करता है। कल के क्लास में पढ़ाए थे ना कि एक बर्फ के सिल्ला पे पैर रखी और अंदर डुबा लिया तुमको, इसका मतलब नहीं भरोसा तोड़ देना पानी, पानी तुम्हें भरोसा तोड़ा, पानी चर्बी मान लो और बर्फ का टुकड़ा प्रोटीन मान लो, उस पर लोड बढ़ते ही अंदर घुस गया। जैसे तुम अंदर में चली जाओगी मतलब तालाब के अंदर में डूब जाओगी तो बर्फ अपने आप ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ठीक है, सामान सेल के अंदर में पहुंच गया जी, ठीक है। अब एक और बात है, जैसे आप देखो ये यूट्यूब जैसा ऐसा कुछ है, और मान लीजिए सर यहाँ पे आपको इधर से यहाँ पे एक ये लगा हुआ पर्दा, मतलब ये लगा पैक लगा यानी भाल्व लगा हुआ है, एक टंकी लगा हुआ है जिसको रोक गया, इधर पानी है सर, पूरा पानी है, ये पूरा भरा हुआ है पानी एक तरफ से, दोनों का हाइट एक जैसा है, इसका हाइट एक जैसा है, ठीक है। जैसे इसको खोलेंगे ना सर टंकी को, इसमें से पानी इधर से इधर जाएगा, इसी को तो कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ में आया, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, इधर पानी ज्यादा है सर, इधर पानी कम है सर, इधर से इधर पानी जाएगा सर। अब पानी जो जाएगा ना सर, इधर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहा है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहा है, इस घटना को क्या नाम देते हम लोग, इस घटना को नाम देते सर आपको डिफ्यूजन। इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, डिफ्यूजन के नाम से बुलाएंगे सर। ये तो याद हो गया सब आदमी को, जब डिफ्यूजन हो गया सर, ठीक है, और डिफ्यूजन हो जाता है सर तो एक बार तुम गौर करोगी कि सर नेट नहीं होता है, 100% डिफ्यूजन कभी नहीं होता है। इधर पानी तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों तरफ हाइट बराबर ना हो जाए। अब देखो पानी यहाँ पहुंच गया, हाइट बराबर हो गया, तो अब इतना से ज्यादा पानी नहीं ना, देखो इतना पानी तो इधर रह गया,
लड़का गौर कर रहा है हम क्या समझाना चाहते हैं। डिफ्यूजन से 100% ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। मान लो ये सेल है, बाहर में आपको 20 ग्लूकोज है, बाहर में 20 ग्लूकोज है और अंदर आपको 2 ग्लूकोज होगी, ठीक है, 2 ग्लूकोज है और हम कह रहे भाई डिफ्यूजन होगा। साफ देख रहे हो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन है और सेल में ये घुसेगा वही दबाव देते हुए, ठीक है। पर सर क्या 20 का 20 चला जाएगा? नहीं, इसमें से आपको ऐसा होगा सर कि आगे जाकर के सर 11-11 हो जाएगा सर, मतलब इसमें 11 हो जाएगा और बाहर में भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। डिफ्यूजन 100% नहीं हो पाया है ना सर, 50% ही हो पाता है सर। कभी भी तुम चाहोगे ना काश पूरा का पूरा ग्लूकोज घुस जाए, लेकिन ना ये होने नहीं देगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सर आपको 50 बना, तो यानी कि दोनों तरफ क्या बैलेंस ना हो जाए तब तक हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको आप लिमिटेशन लिख रहे हैं जिसका डिफ्यूजन का लिमिटेशन, या पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं, पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं तब डिफिनेशन है, तब इसका है ना आपको यानी कि खामियां बताएंगे। अब आ जा रहा है, एक बार फिर से देखो तो टाइप करके दो। तो किसका माइक कौन है? देखो हम डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी लिखने जाते हैं, ठीक है, फिर से इसका खामी लिखेंगे हम लोग। डिफ्यूजन जो है सर इसका प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है जी नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजिली पास द प्लाज्मा बैंड, आपको नॉन पोलर पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इजिली पास द सेल, पासेस द सेल, ये सेल को पास कर जाता है सर। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं सर आपको सर नो नीड नो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है इजिली, आपको लिखा आपको पासेस द सेल, सेल को ये आराम से ये पास कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया ये। अब उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं जी, नो नीड ऑफ एनर्जी, नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जी, नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ये। अगला पॉइंट क्या है इसमें आपको जी, इसी में एक मिनट है जी, डिफ्यूजन डिफ्यूजन आपको लिखा आपको प्रॉपर्टी, ये डिफ्यूजन के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जी, ये आपको नो नीड ऑफ कैरियर, इसको कोई कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ कैरियर, कैरियर की आवश्यकता इसको नहीं पड़ता है इसमें है जी, नो नीड ऑफ कैरियर, इसको कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ता है जी, ठीक है। अब यहाँ जगह नीचे नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं है ना। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं डिफ्यूजन सर क्या होता है ना जी, आपको डिफ्यूजन जो देखते हैं सर आपको है ना रैंडम रैंडमली होता है जी, ये देखो इसी लाइन को अगर तुम लोग नहीं समझता ना तब इसको रैंडमली कहते हैं, रैंडम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किधरों से हो सकता है सर? डिफ्यूजन है ना अकर्स इन इन रैंडम फैशन, रैंडम मतलब किधरों से भी घुमा फिरा के आप डिफ्यूजन करा सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ तक हम देखें ना, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे 5 ग्लूकोज है और अंदर में 1 ग्लूकोज है, तो इधर से घुसे ग्लूकोज या इधर से घुसे ग्लूकोज, किधरों से भी ग्लूकोज जा सकता है जी, कोई अतराज नहीं है सेल को, सेल में ग्लूकोज किसी भी एंगल से अंदर जा सकता है और वो क्या काउज कर सकता है सर आपको ना डिफ्यूजन काउज कर सकता है, ठीक है। ये तो उसका प्रॉपर्टी हो गया। अब इसका एक खामी भी देखिए सर आप, खामी क्या है सर इसका कि सर इससे आप है ना मतलब ये आपको जो इसका खामी जो देखते हैं पहले बोल मिटाते हैं, नो नेट ट्रांसपोर्ट, इससे तुम 100% ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते, नो नेट ट्रांसपोर्ट है ना जी, नो इसका लिमिटेशन लिख रहे जी, लिमिटेशन नंबर 1 नो 100% ट्रांसपोर्ट, नो नेट ट्रांसपोर्ट अकर, नेट ट्रांसपोर्ट अकर है जी। आप इसी से तुम लोग डिफिनेशन अब लिख सकता है यानी कि जब तक दोनों तरफ बराबर न हो जाए तब तक डिफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। डिफ्यूजन कब तक देखने को मिलेगा? जब तक दोनों तरफ है ना इक्वल अमाउंट में कंसंट्रेशन न हो जाएगी, ठीक है। पहले हम लिमिटेशन लिखते हैं, नो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अकर्स है जी, दैट इज है जी आपको ओनली ओनली लिखा आपको ट्रांसपोर्ट अप टू द ओनली लिखा आपको 50% ट्रांसपोर्ट, 50% ट्रांसपोर्ट अकर्स, नहीं समझे लाइन,
इसका फोटोग्राफ बना के समझाया था अभी, मैंने कहा था ना यहाँ पे आपको चार को ग्लूकोज है, अंदर में एक ग्लूकोज है, क्या आपको दो ग्लूकोज है? तो कहता है कि इसमें से चारों का चारों नहीं जाएगा, सिर्फ एक चीट हो जाएगा अंदर में, क्योंकि आगे जाके सर ये तीन और तीन में हो जाएगा जी, इसमें तीन ठो हो जाएगा और बाहर भी क्या हो जाएगा सर आपको तीन हो जाएगा जी, ठीक है, तीन ठो बाहर में तीन ठो अंदर में, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ट्रांसपोर्ट क्या रह गया सर आपको 50-50% रह गया जी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना इसमें, मतलब 50% ही ट्रांसपोर्ट करता है, 100% ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है जी, ठीक है, मतलब आप एक बार और डिफ्यूजन में आप लोग जोड़ सकते हैं लाइन, है जी, डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, डिफ्यूजन आपको डिफ्यूजन प्रोसेस तीन अप टू वेन बोथ साइड ना आपको लिखा आपको ना बिकम इक्वल ना आपको अब जब कब तक सीन होगा जब तक आपको ये दोनों बराबर ना हो जाए, डिफरेंट इक्वल ना हो जाए, ठीक है, आई देखो ना तुम खुद कहोगी ना कि सर ये नॉन पोलर को ले जा सकता है, अगर तुम चाहोगी पानी को ले जाना या मान लो ग्लूकोज को ले जाना, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे C6H12 और O6 होता है, तो आप साफ देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड तो है सर इसमें, तो ग्लूकोज डिफ्यूजन के रास्ते से जाएगा सर, बहुत पावर मिलना पड़ता है, ठीक है, मतलब है ना पोलर मॉलिक्यूल को नहीं ले जा सकता है ना जी, आपको वेरी लेस ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल डिफ्यूजन है ना जी, वेरी लेस ट्रांसपोर्ट ऑफ है ना पोलर मॉलिक्यूल को तुम नहीं भेज पाओगे, थोड़ा बहुत ही भेज पाओगे, 100% डिफ्यूजन के रास्ते सोचोगे पोलर मॉलिक्यूल को ले जाना तो संभव नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता होगा, ठीक है, और एक और बात कहते हैं डिफ्यूजन छोटी दूरी को तय करता है सर, लंबा छलांग नहीं लगा सकता है, मान लो कोई पर्सन है ये, इस पर्सन का ये बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे लंग्स है सर, इस जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे लंग्स है जी, ठीक है लंग्स, अब मान लो आप लोग टेंथ में भी सुने होंगे नाम लंग्स में आपको ऑक्सीजन आया पैर के उंगली तक पहुंचाना हो तो 3 साल का वक्त लग जाता है डिफ्यूजन से अगर भेजोगे तो, टेंथ के एनसीईआरटी बुक में जो लंग्स वाला जो चैप्टर ना रेस्पिरेशन वाला चैप्टर उसमें ये बात लिखा हुआ है कि आप सांस लीजिएगा और डिफ्यूजन के भरोसे रह जाओगी कि सांस तो ले लीजिए डिफ्यूजन से, अब यहां से आगे भी जाए डिफ्यूजन से तो सर सेल की दूरी मतलब डिफ्यूजन छोटी डिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है जी, ठीक है, मान लो यहाँ पर का सेल है सर, यहाँ से डिफ्यूजन यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचता है सर, पहले यहाँ पहुंचेगा फिर यहाँ पहुंचेगा करते 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 यहाँ तक जाएगा जी, ठीक है, डिफ्यूजन एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है जी, ठीक है, अब तुम कहोगे सर कितना छोटा डिस्टेंस, मात्र देखो इसके बारे में कहा था कि 50 माइक्रोमीटर की दूरी तय करने में, 50 माइक्रोमीटर बहुत छोटा डिस्टेंस, 50 माइक्रोमीटर समझ रहा है इतना से इतना दूरी की दूरी में, देखो दो डॉट के बीच की दूरी है ना, इससे भी छोटा होगा, ये तो तुम लोगों को दिखने के लायक इतना बोले हैं, असल में इससे भी छोटा होगा, उसको तय करने में उसको 2.5 सेकंड का टाइम लग जाता है, 2.5 सेकंड का टाइम लग जाता है, सोचो अगर इसको 1 मीटर दूरी तय करने के लिए दे दे तो 3 साल का वक्त लगा देगा जी, ये 3 ईयर्स है ना, आपके लंग्स से पैर तक की दूरी लगभग लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर के आसपास होगा, कहता डिफ्यूजन के भरोसे रहोगे ना तो 3 साल का वक्त लग जाएगा उसको वहां तक पहुंचने में सर, प्रॉब्लम ठीक है, इसमें तो सर सेल मर जाएगा सर, सेल को तो 2 मिनट में मर देगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सेल को तो 2 मिनट में सर सेल को दम घुटने लगता है सर, तो मुद्दा है कि सर इसको कैसे पहुंचा रहे? भाई 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 ट्रांसपोर्ट भाई पंप ऑर्गन पंपिंग ऑर्गन है हम लोग ना, मतलब वो क्या नाम है जिसका हार्ट है ना, हार्ट क्या करता है धक्का मार के उसको वहां तक पहुंचा देता है 8वां सेकंड में ही है ना, 0 सेकंड के 8वें हिस्से में पहुंचा देता है, लेकिन तुम डिफ्यूजन के भरोसे रहोगे तो बैंड बच जाएगा, डिफ्यूजन छोटी छोटी दूरी को तय करने के लिए लंबी छलांग लगाने के लिए डिफ्यूजन सफिशियंट नहीं है सर, ठीक है जी, क्योंकि सर ये इसी वजह से वो स्लो माना जाता है, ये भाई अपना मेहनत कर रहा है वो, लेकिन सर उसका चाले ऐसा है तो क्या कीजिएगा वो सब उसको है ना, इस वजह से उसको हम लोग क्या मानते हैं सर आपको, मतलब उसको हम लोग मतलब डिफ्यूजन को स्लो मानते हैं, डिफ्यूजन इसलिए क्या हो जाता है सर आपको, डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन क्या देखते हैं हम लोग स्लो प्रोसेस देखते हैं, स्लो प्रोसेस, आपको लड़की सोच रही होगी सर कि अगर हमको डिफ्यूजन को बढ़ाना है सर कोई प्लांट के अंदर में या हम लोग के अंदर में डिफ्यूजन तेजी से हो जाए तो ये कब हो सकता है, जब गर्मी पड़ेगा जैसे अभी तो स्वेटिंग जो हमको चल रहा है ना अभी स्वेटिंग डिफ्यूजन से चल रहा है, मतलब डिफ्यूजन फास्ट होगा सर आपको बार बार पसीना आ रहा है इसका मतलब अभी गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, कोई सामान का डिफ्यूजन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगा सर, टेम्परेचर के होगा, स्मॉल साइज जितना छोटा चीज होगा उतना जल्दी उसका डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, उसका सबसे सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में देखना होगा, गैस स्टेट में, तब लिक्विड स्टेट में, तब सॉलिड स्टेट में, है ना, आपको अगर कोई पूछ देगा सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस अवस्था में देख सकते हैं आप,
जब कोई गैसियस स्टेट में रहता हो, पानी का वेपर जब देखिएगा तो जल्दी डिफ्यूजन कर, तुरंत भाग जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन सर ये सबसे स्लो होगा सॉलिड में, जैसे बालू का सरकना या मिट्टी का खसकना, ये धीरे धीरे होता है जी। ठीक है, अब उसके बाद तुम चाहता है प्रेशर भी बढ़ा दो, प्रेशर से भी क्या होगा सर आपको प्रेशर, इससे भी सर डिफ्यूजन होगा जी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर में घुसा इसी में, नॉन पोलर में तुम लोग सर हम समझ ही नहीं रहे सर आपको, नॉन पोलर किसे कहते हैं, जो चर्बी में घुल जाता हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो चर्बी में घुल जाता हो उसको क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, लिपिड सोल्यूबुल है ना जी, इसका एक और नाम यहाँ पे देखो इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, लिपिड सोल्यूबुल, लिपिड सोल्यूबुल। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर डिफ्यूजन धीरे धीरे हो, नहीं देर से हो, तो उसके लिए क्या करना होगा सर आपको, साइज बड़ा करना होगा, साइज ग्रेटर करना होगा सर, ग्रेटर करना होगा सर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को आपको कम करना होगा सर। ठीक है, और इम्परमिएबल सरफेस बनाना होगा, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल सरफेस बना जो आर पार नहीं होने देता हो, मतलब प्लाज्मा मेंब्रेन ऐसा तुम ले लिया ना खाली चर्बी से भरा हुआ, या प्लाज्मा में ऐसा ले लिया जिससे प्रोटीन से भरा हो, हम कहते हैं ना प्रोटीन आपको चर्बी एक दूसरे का जानी दुश्मन है, और वो दोनों एक दूसरे को विरोध करता रहता है, अगर कोई चीज चर्बी के जरिए जा रहा है तो प्रोटीन जाने से रोकेगा, अब प्रोटीन के जरिए जा रहा है तो चर्बी उसको रोकेगा जी। ठीक है, दोनों में एक दूसरे लड़ाई चलता रहता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, मास फ्लो और डिफ्यूजन में जमीन आसमान का अंतर है, अभी हम लिखे भी थे डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और सर आपको लिखी मास फ्लो अलग अलग चीज है, लेकिन अभी इसको छोड़ो, इसको कल देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऑस्मोसिस का आज ये बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस का डिफिनेशन सुनो, ऑस्मोसिस हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑस्मोसिस है ना, ऑस्मोसिस पढ़ाने चले जी अब हम आपको, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस है ना मूवमेंट ऑफ, सब सुनिएगा अच्छा से, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ है ना आपको, आपको लिखा वाटर, वाटर इसका मतलब होता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन। ठीक है जी, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना भाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस, इस घटना को इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कॉमनली कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो तुम लोगों ने साफ नाम लिया कॉमनली कॉल्ड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, तुम लोग अभी विरोध करना शुरू कर देगा मेरा कि सर आप तो पानी को तो बोले थे पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, कैसे जा रहा है इधर से, ए भाई पानी जो है ना पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका पीएच न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पीएच है ना, और ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है जी। ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन है ना कुछ पोलर मॉलिक्यूल को भी ले जाता है, अरे भाई कैसे ले जा रहा है सर, तो सर वो आप वही दवा आप याद कीजिए, अभी कल जो पढ़ाए थे प्लाज्मा में भी लोड बढ़ेगा, ये याद कीजिए आप लोग है ना, पानी कुछ पानी के मॉलिक्यूल 100% नहीं जी, कुछ पानी के मॉलिक्यूल क्या होता है डिफ्यूजन के कंसेप्ट से जाता है जी। कल हम बताए थे कि जब पानी जब सेल पे पड़ेगा तो सेल पे लोड बनेगा सर, जब सेल पे लोड बनेगा सर तो ये दबना शुरू हो जाएगा, अगला स्टेप में तुम क्या देखोगे इसका प्लाज्मा ऐसे हो जाएगा, धीरे धीरे पानी अंदर की ओर घुस जाता है जी। ठीक है, जब पानी जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाता है बाय द क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन, बट सर रिस्पेक्ट दीजिए, पानी जा रहा है तो उसके लिए रिस्पेक्ट देते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कोई अंतर नहीं है जी, बस अंतर इतना है कि सर वहां पे डिफ्यूजन में कुछ भी ले जा सकते हैं, और एकदम खास हम खास करो कि नहीं पानी को ले जाना है, ओनली वाटर को ले जाना है, तब आप डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ना है ना, आप लोग नहीं कहते कि मतलब एक मतलब एग्जाम में जब आप जाते हैं स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है ना स्कूल में एक वही टीचर जो टीचर तुमको क्लास में पढ़ाते हैं वही हो सकते हैं आपके नीचे परीक्षा के इंचार्ज है ना जी, एग्जामिनेटर आपको वही हो सकते हैं, या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के वही हेड हो सकते हैं, नहीं होता जिसको हम लोग कहते हैं ना परीक्षा कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर वही होते हैं। तो सर आज हम पहले कह रहे थे उसको सर अब मेरे टीचर थे, लेकिन आज हमको उनको एग्जामिनेशन कंट्रोल करना पड़ता है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ये भी एक प्रकार का टीचर ही होता है। ठीक है, मतलब सर टीचर को हम लोग कभी कभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम से भी बुला सकते हैं, तो कभी कभी पानी जो कभी कभी जो डिफ्यूजन होता है तो उसको हम ऑस्मोसिस ही बुला सकते हैं, लेकिन शब्दों को ध्यान रखिएगा सर, ऑस्मोसिस तभी यूज करोगी जब वाटर का मूवमेंट हो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, एकदम साफ नाम सिर्फ पानी सर, अगर पानी के अलावा कोई और नाम लोगी ना तो उसके लिए ऑस्मोसिस सॉरी तो उसके लिए डिफ्यूजन बोलना पड़ेगा, अगर तुम कह रही हो पानी को भेजना है सर तब उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा ऑस्मोसिस। कल के क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा रह गया ऑस्मोसिस अब नहीं रहा, तुम लोग को खुद डाउट होगा तो डाउट डील करेंगे, और कल मास फ्लो पढ़ने बाद हम लोग फैसिलिट ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। देखो जिंदा होने का ये भी डिफिनेशन है, कोई आदमी आपसे कहना लिविंग का डिफिनेशन दो, पर हमको ये मत बताना कि सेल की वजह से लिविंग है या साइटोप्लाज्म की वजह से लिविंग है, कोई और डिफिनेशन दो, तो तुम उसको बताना जिसके पास फैसिलेट ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता हो, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल, इसी से आएगा कल कंसेप्ट सेलेक्टिव परमिएबल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी खास मॉलिक्यूल को अपने अंदर लाता है, इसको फैसिलेट करते हैं,
जैसे नहीं थे, अगर हम किसी पार्टी में गए थे, हमको कोई इनवाइट नहीं किया था, मोहल्ला में शादी था किसी का, उसके हमको इनवाइट नहीं था, हम उसमें जाना चाह रहे थे, तो उस मोहल्ले में जो जो तुम लोग पार्टी में तुम लोग थे, और तुम लोग क्या किए, मतलब हमको देखते गए, सर सर आइए आइए, आपको हम आपको निमंत्रण देते, आप मेरे मेरे पहचान से आप आइए अंदर, है ना जी। तो तुम मेरे मेरे लिए रास्ता खोल दिया ना, फैसिलेट कर दिया, सुविधा दे दिया कि आपने मतलब हमको बुला लिया, मतलब कोई हमको नहीं पहचानना था उस पार्टी में, तुम लोग पहचान गया, तुम हमको रिसेप्ट मतलब रिसीव करने वाला हो गया, रिसीव किया कि नहीं नहीं ये कोई छूट गया नहीं है, मतलब ये हम बुलाए इनको है, ये आइए अभी आइए, मतलब वही बात होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन होते हैं जो खास तरीके से उसको खींच के अंदर लाता है जी। कल का क्लास देखेंगे जी, ठीक है, डिफ्यूजन कुछ पढ़िएगा, है ना, हम आपको समझाने की कोशिश किए, है ना, पढ़ के देखिएगा, दिक्कत हो तो जरूर पूछेगा, है ना। चलिए रहने दीजिए, नहीं तो बहुत गर्मी आज, बाय, रहने दो यहीं तक।